मैं दबंग सिंह फिर हाजिर हूँ बिग बॉस को लेके। कल जो बिग बॉस स्टार्ट हुआ वही जैसे बताया था आपको कि बिजली चमकने लग गई बोली जोर से, इतने बिग बॉस अनाउंस कर दिया अभी सारे गाड़ी में इकट्ठे हो जाओ। जो नॉन वीआईपी थे तीन सदस्य, अपना बिन चुकले, अपना रश्मि और अपना देवलीना, ये एक अलग अलग पोडियम में खड़े हो गए थे, बाकी सारे इकट्ठे खड़े हो गए। अब यहाँ पर बिग बॉस अनाउंस कर दिया, अभी लास्ट वीक था, सबकी जर्नी बहुत अच्छी रही। तो भाई अभी लास्ट वीक था, इन तीनों सदस्य कोई भी दो सदस्य घर से बाहर चल जाएंगे अकॉर्डिंग टू वोटिंग, और इनका भी योगदान बहुत बढ़िया रहा। वाइट कलर एंट्री से आए थे और बहुत बढ़िया किया उन्होंने, बहुत अच्छा टीआरपी बढ़ाई शो की। अब यहाँ पर राजीव को पावर दी जाती है, राजीव वो बजर बजाएंगे, उस बजर के ऊपर जब ऊपर से इनके वो आग सी निकलने लेती है, और उसके बाद जो सदस्य के हाथ में टिकट उठाने आएगा वो आज सेव हो जाएगा, बाकी दो घर से बाहर चले जाएंगे। और राजीव आप भी बहुत बढ़िया रहे, आपने जो दिया गया पूरा कार्य किया, आप भी उनके साथ ही बाहर आ जाएंगे। बस राजीव बजर जाता है तो रश्मि देसाई के हाथ में टिकट उठाने आ जाता है। कल बिन चुकले और देवोलीना बाहर आए थे घर से, और साथ में राजीव भी उनके साथ घर से बाहर आया था। अब यहाँ बैठ के निशांत अपना रश्मि और तेजस्वी बड़े बड़े बातें कर रहे होते हैं, तो तेजस्वी अपना रश्मि और प्रति अपना निशांत के बारे में कुछ बीच में अनबन सी हो जाती है, वो कुछ बातें कर रहे होते हैं नहीं तो ये है वो, उसको कोई टोट कसा होता है, तेजस्वी बीच में पंगा ले लेती है, टोट कस देती है रश्मि को। बस यहाँ पर रश्मि और तेजस्वी की लड़ाई शुरू हो जाती है, और अच्छी खासी बहस हो जाती है कि नहीं तूने तो मेरे सपोर्ट नहीं करा, कभी ये नहीं करा वो नहीं करा, बहुत जिसे कहते हैं तगड़ी बहस इन दोनों के बीच में शुरू हो जाती है। अब यही बात करण कुंद्रा को पता लगती है, करण कुंद्रा भी तू तेजस्वी को बोलता है तू क्या है, तू पागल है क्या, तू हर एक के पंगे लेती है क्या, तू क्यों टोट कसती रहती है हर एक को निशान साहब मिलके। उसको प्रॉब्लम ये थी कि निशान साहब मिलकर टोट कस गया उसने रश्मि के ऊपर, वो करिए मैंने नहीं करा ये नहीं करा वो नहीं करा, बस उसके बाद वो लड़ाई जो थी वो अपना तेजस्वी और करण कुंद्रा के बीच शुरू हो गई, और अच्छी खासी जिसे कहते लड़ाई शुरू हो गई करण कुंद्रा के बीच में। करण कुंद्रा कहता तू तो है ही ऐसी है, तू ये है वो है, भाग जा यहाँ से, फलाना ही ठिकानी ऐसे ही करना, तूने टोट कसती तो मेरे को भी टोट कस देती थी, तू देखती नहीं किसके क्या बोलती है, और अपना तेजस्वी शुरू हो रही है मैंने क्या बोल दिया ये है वो है फलाना ठिकाना, दोनों ही बहुत अच्छी खासी जिसे कहते बहस यहाँ पे देखने को मिल गई इस चक्कर में, उसने टोट कस दिया उसके ऊपर रश्मि के ऊपर। अब गाड़ी के अंदर अपना रश्मि राखी और प्रतीक घर बैठे होते हैं, तो प्रतीक बड़े प्यार से मजाक से बोलता राखी को, राखी तुम्हें दम नहीं रहा ये नहीं रहा वो नहीं रहा, राखी कहती तेरा क्या मतलब है मैं बूढ़ी हो गई हूँ ये है वो है, मैंने इंडस्ट्री में इतना काम किया ये वो, एक अलग एंगल बना के ले जाती है। वो कह रहा मैं ऐसे नहीं बोल रहा था भाई, मेरा ऐसा कोई पर्पज नहीं था, जो बोल रही है ये है वो। तो राखी बहुत अपशगन बोले शब्द बोल देती है अपना प्रतीक को, प्रतीक रोने लगता कहता क्या क्या कर दिया मैं तो बोला नहीं था। यहाँ पर रश्मि भी और कणकुंदा भी बोलते हैं नहीं राखी उसका मतलब ये नहीं था, उसको बिल्कुल ऐसे नहीं कर रहा था, तू गलत है राखी तू गलत है राखी, यदि चुप ये हो तो रखी की राखी और प्रतीक की थोड़ी बहुत बहस देखने में यहाँ पर मिल जाती है। इतने में बिग बॉस का सबको इकट्ठा कर लेता लिविंग रूम में, बिग बॉस कहता भी वैसा है कि करण और एक और जो आज थे वो घर के अंदर आएंगे, वो आपसे तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे, अगर तुम सही जवाब दो उनको लगता है सही जवाब दे दिया आपने तो आपको जो 6 लाख आपका अमाउंट विनिंग अमाउंट में कम था वो भी पूरा वापस दे दिया जाएगा। अब बस वो आज अंदर घर के अंदर आ जाते हैं, सबसे पहले करण कुंद्रा क्वेश्चन पूछते रहते हैं भाई ये तुम स्ट्रेटजी बना के आए थे कि जो बाहर से भी ऐसे अंदर में लव ट्रैक बनाऊंगा ये है वो, अपना जवाब भी बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं था ये वो। फिर करण कुंद्रा के आगे पट्टी मान लेते हैं, कहते हैं तेजस्वी से क्वेश्चन पूछते हैं भाई तेजस्वी ने भाई कौन सी रंग के कपड़े डाले हुए हैं, कौन सी लिपस्टिक लगा रखी है ये वो, सही बोले तो किस दे देते नहीं तो थप्पड़ मार दो। तो इस टाइप से क्वेश्चन वो आरजे पूछते हैं करण कुंद्रा से। तो राखी बारे आती है, राखी से पूछ लेते हैं भाई तू जो तेरे हस्बैंड से ये है वो है कि क्या रियल है कि नहीं है क्या है, वो कह रही है नहीं रियल है ये है वो है, पर राखी ये भी बोलती है कि मेरी शादी लीगल नहीं है अभी, पर ये है कि मैं घर बाहर जाकर उसे साफ बोल दूँगी भैया मुझे लीगली कर मेरे से नहीं तो मैं तेरे साथ नहीं रह सकती और मुझे ये नहीं करी। तो फिर बिग बॉस में उस टाइम बिग बॉस में ही क्यों लेके आया अपने हस्बैंड को, उससे पहले करिए सारे लोग बोलते थे पिछले सीजन में बोला इस सीजन में बोला, मैं वो कहता मैं आ रहा हूँ मैं तो बिग बॉस में आ फिर ये है वो है, तो राखी थोड़ी क्लियरेंस देती है यही भी कल बिग बॉस खत्म हो जाता है। दोस्तों ये थोड़ा कल का एपिसोड, आज जो एपिसोड आएगा आज यही बिग बॉस का टास्क आज ही वाला अभी आगे कंटिन्यू चलेगा, आज तेजस्वी भी शुरू हो जाएंगे, तेजस्वी को बोलना शुरू कर देंगे भाई तू इसका नाम क्या है कि वुमन कार्ड खेलती है विक्टम कार्ड खेलती है, अरे नहीं ऐसा कोई विक्टम कार्ड नहीं थी वो, तेजस्वी फिर भड़क हो जाती गुस्से में, वो आरजे के ऊपर ही गुस्से में हो जाती है जबकि उसको नहीं होना चाहिए, वो हमेशा उसको जो भी कोई पॉइंट कस देता है समारोह कस देता है वो हमेशा गुस्से में आ जाती है। यहाँ पर शमिता को भी क्वेश्चन पूछ दिया जाएंगे, शमिता कहती है मेरे पर तेजस्वी पर्सनल अटैक करती है बहुत ज़्यादा करेगा ये पर्सनल अटैक ये है वो है, इस तरह बारी बारी सबकी बारी, प्रतीक की भी आती है निशांत की भी बारी आती है तो सबकी रश्मि की भी आएगी बारी सबकी, तो ये आज ये सबके करेंगे। दूसरा बिग बॉस एक नया ट्रेंड शुरू कर देंगे, आज घर के अंदर जो बाहर से पब्लिक आएगी वो घर के गार्डन में आ जाएगी और वो डिसाइड करेगी इनमें घर में से कौन सा सदस्य घर के बाहर और जाना चाहिए, फिर बाकी टॉप 6 रह जाएंगे जो कि आगे गेम खेलेंगे। दोस्तों कल फिर मिलेंगे इसी टाइम इसे में बिग बॉस का रिव्यू लेके, तब तक सत श्री अकाल,
कॉपीड हुआ। दोस्तों अपना ध्यान रखना, हैंड वॉश करते रहना, घर से बाहर जब भी निकलना मास्क लगा के निकलना, और दोस्तों बिग बॉस के लेटेस्ट अपडेट देखते रहिए मायापुरी कट।